ओके गुड इवनिंग आई एम लाइव आई एम लाइव गुड इवनिंग बच्चो क्या हाल चाल है तुम्हारे कैसे हो क्या हाल चाल ओके ग्रेट 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 चलो शुरू करते हैं लेट अस स्टार्ट लेट अस स्टार्ट ओके यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग फटाफट से आ जाइए जल्दी दौड़ के भाग के उड़ के आ जाइए सब लोग फटाफट ओके बच्चों हमारा पेन कहाँ चला गया यप यप, सो एज यूज़ुअल, लाइक तो so, ये तो यहाँ पे भी अप्लाई होता है ना ठीक है जो तुम आते हो मेरे सेशन में अगर तुम तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लो तो बहुत कुछ सीख सकते हो नॉट समथिंग बहुत कुछ सीखी जा सकती है बातें है ना <laughs> लेकिन हम लोग तो इधर की बातें ज्यादा करते हैं आई थिंक दिस इज गोल्ड आई थिंक दिस इज गोल्ड ये गोल्ड है और तुम्हारे ऊपर तो बड़ा अप्लीकेबल है बच्चों है ना कुछ लोग ओके जी, so we're gonna start now and वो बच्चे जो नए हैं, उनको बता देती हम हम लोगों ने शुरू करा हुआ है बच्चों। आज खत्म मैं चाहूँ तो इस चैप्टर को एक दिन में भी खत्म कर सकती हूँ ठीक है लेकिन हम अभी वन शॉट वाले uh, you know, क्या बोलते उस, उस लेवल पे नहीं पहुंचे पहले हमें डिटेल में सारे चैप्टर करने पड़ेंगे तब हम वन पी एच डी इन माइकॉलॉजी एंड एम एस सी इन बॉटनी छे साल से पढ़ा रही हूँ बाकी सब तो तुम्हें पता चल रहा है यहाँ पे मैंने अपनी जिंदगी में क्या करा है ओके <laughs> okay, तीन नए स्पीशीज डिस्कवर करे हैं बच्चो uh, दस रिसर्च पेपर भी लिखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड करा है मेंटोर करा है उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाया अब तुम्हारी बारी तुम देख ही रहे हो आई एम वर्किंग डे एंड नाइट और तुम्हारे लिए बहुत मेहनत हो रही है बस ये समझ लो ओके बच्चों अब अपना जो ये टेलीग्राम का चैनल है इसको ज्वाइन जरूर कर लेना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है बहुत ही महत्वपूर्ण तुम्हारा टेलीग्राम का चैनल है जो यहाँ पे सारे जितने भी हमारे सेशन होते हैं सबका अपडेट आ जाता है तो दैट इज वाई एम आस्किंग यू टू ज्वाइन दिस चैनल नाउ फॉर दो स्टूडेंट जिन जिनको लगता है कि मुझे टीचर का प्रॉपर गाइडेंस चाहिए मुझे टीचर के साथ इंटरेक्शन चाहिए मैं क्लास में बात कर अपने टीचर से पाऊं के लिए चाहिए। जिस बच्चे को चाहिए कि मुझे वन ऑन वन मेंटोरशिप चाहिए प्लानर होना चाहिए मेरा कोई पर्सनल कोच होना चाहिए जो मुझे टाइम टेबल बता दे कैसे बनाना है जो मुझे स्ट्रैटेजीज बता दे कैसे होनी चाहिए मेरी फिजिक्स की केमिस्ट्री की बायो की मेरे टेस्ट का एनालिसिस हो जाए मुझे स्टडी मटेरियल मिल जाए जिसको ये सब चाहिए बच्चों वो आइकॉनिक ले सकता है एंड कोड तो तुम्हें पता है गार्गी कोड आप यूज करेंगे गार्गी आपको 10% ऑफ तो मिलेगा इसके साथ-साथ अगर आप तुम्हें तुम मुझे बता दोगे कि मैम यस आपका कोड लगाया था सब्सक्रिप्शन लिया था तो बच्चों मेरी तरफ से तुम्हें जितनी मैं हेल्प कर सकती हूं उतनी मैं हेल्प तुम्हें दूंगी राइट यू कैन गेट डायरेक्टली इन टच विद All right जी एंड अपना एक ऑफर चल रहा है छ पे एक महीने का फ्री है अठारह पे दो महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है पोस्टपोन हुए थे पोस्टपोन हुए हैं थे नहीं है, हमारे प्राइस लेकिन बच्चे वापस आ कैंसिल नहीं हुआ तो ये बात जरा ध्यान से रख लेना अपने दिमाग में रख लेना ओके एंड सिंस uh, आने के का आज बर्थडे है तो हमने उस स्पेशल दिन को तुम्हारे लिए भी स्पेशल बनाने के लिए क्या करा बच्चों अगर आप लेते हैं एक साल का सब्सक्रिप्शन तो आपको छह महीने का फ्री मिलता है अगर आप लेते हैं तीन सॉरी छह महीने का सब्सक्रिप्शन तो आपको तीन महीने का फ्री मिलेगा right? okay जी neat, dream team, मेरा बैच चल रहा है तुम्हें भी पता है जिसको पढ़ना हो तरीके से गाइडेंस के साथ डाउट सॉल्विंग के साथ प्रॉपर तरीके से पढ़ना हो वो वहां पे आके मेरे से पढ़ सकता है एंड स्टार्ट नाउ अरे कैसे एक नई चीज आई है मैम नई चीज क्या है बच्चों एनसीआर प्रहार तुमने बहुत प्यार दिया उस पर थैंक यू सो मच उसके लिए बहुत 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 तुम्हें पसंद आ रहा है और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम इसको चालू रखिएगा तो तो ये तो रहेगा नीट तक जब तक तुम्हारा नीट नहीं हो जाता ये रहने वाला है दूसरी बात बच्चों बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मैम इसमें अगर आप कोई चैप्टर पढ़ाना शुरू कर सकते हो तो वो भी शुरू करते हो तो बच्चों आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ट्वेल्थ क्योंकि इलेवंथ हमारा यहाँ ही रहा है तो ट्वेल्थ हम करने वाले हैं स्पेशल पे कल से शुरू हो जाएगा बच्चों ये आपका दो से तीन इसका टाइम है जान बुझ कर दो से तीन टाइम रखा है क्योंकि ये टाइम पे आपको सोना मना है रेस्ट करना मना है दो से पांच हमें सबसे ज्यादा एकदम अलर्ट रहना है तो इसलिए दो से तीन तुम्हारा टाइम रखा है संडे को बच्चों बारह बजे रख दूंगी ठीक है संडे को दो से तीन तुम्हें परेशान नहीं करूंगी संडे को थोड़ा सा लाइट कर देंगे एंड चार दिन में ट्राई करूंगी ये चैप्टर खत्म हो जाए फिर दूसरा चैप्टर उठा लेंगे बायोटेक्नोलॉजी का सो ऑन एनसीआर रीडिंग के साथ हम ये करने वाले हैं प्रॉपर पैकेज है फ्री में है जरूर एनरोल कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अभी शुरू करें माइटोकॉन्डिया को देख ले माइटोकॉन्डिया भाई साहब को देख लेते हैं इनका क्या कहना है आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों माइटोकोंडिया एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू दिस प्लास्टिक्स ठीक है बड़े ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट तो और भी बड़ा है क्लोरोप्लास्ट तो तुम्हें लाइट माइक्रोस्कोप में दिख जाता है आराम से बिल्कुल आराम से दिख जाता है माइटोकॉन्डिया को देखने के लिए बच्चों मुझे उसको स्टेन करना पड़ता है ठीक है आई नीड टू स्टेन द माइटोकॉन्डिया टू टू लुक एट इट एक मिनट यार रुको एक मिनट एक मिनट हम्म hmm. ओके okay. ठीक है जी चलो तो क्योंकि बच्चों ये होता है ट्रांसपेरेंट इसलिए मुझे इसे स्टेन करना पड़ेगा एक बात मुझे पता चल गई ठीक है कोई बहुत बड़ा मतलब इससे कोई बहुत बड़ा तूफानी क्वेश्चन नहीं बनता है अब अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैम कौन सा स्टेन यूज करते हैं अगर ये क्वेश्चन में आ गया तो ये नहीं आएगा बट अदरवाइज अगर तुम्हें क्यूरसिटी से एक जानना है तो कौन सा स्टेन यूज करते हैं तो वी यूज जेनिस ग्रीन स्टेन हम यूज करते हैं कोई नहीं पूछने वाला तुमसे इसलिए मैं लिखवा भी नहीं रही हूँ ठीक है घबराने की जरूरत नहीं है अब बच्चों एक जो मेरा सेल है दिस इज माई सेल इस सेल के अंदर बहुत सारे माइट्रोकोंडिया भी हो सकते हैं मतलब दो माइट्रोकॉन्डिया भी हो सकते हैं ये लो दो बना दिए दैट डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी आपका सेल कितना एक्टिव है बहुत एक्टिव है तो बहुत सारे माइटोकॉन्डिया रखने पड़ेंगे जैसे कि हमने कल पढ़ा था लाइसोजोम जब कोई सेल इतना एक्टिव नहीं रहा और उसके पास माइट्रोकॉन्डिया काफी है तो माइट्रोकोंडिया को मारना पड़ता है बच्चों वी हैव टू किल द माइट्रोकॉन्डिया क्योंकि इतने ऑर्गेनल की जरूरत ही नहीं है स्पेस भी ऐसे फालतू में यूज हो रहा है तो हम उसको मार देते हैं कैसे मारते हैं लाइसोजोम आ जाता है उसको मारने उसको खाने ओके तो किसी भी सेल में माइट्रोकॉन्डिया का नंबर घटता या बढ़ता रहता है डिपेंडिंग ऑन इट्स एक्टिविटी ठीक है जैसे कोई अगर जैसे कोई भाई अगर कोई मतलब अपना जिम विम जा रहा है इंसान कोई तो उसका डाइट अलग हो जाएगा उसने जिम विम जाना छोड़ दिया तो उसको अलग डाइट लेना शुरू करना चाहिए अब इतना प्रोटीन वगैरह खाने की तो कोई जरूरत नहीं है समथिंग लाइक दैट मतलब ऐसा कुछ कैसा होगा बेचारा अपना सॉसेज शेप होता है ठीक है इस तरीके से लाइक दिस ठीक है सॉसेज शेप्ड होता है एंड अब कुछ बच्चे सोचेंगे मैम इसका जो डायमेंशन है वो इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है इंपॉर्टेंट बट क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मैंने यहां लिखा हुआ है 0.2 पॉइंट टू टू वन एम एम ओके एवरेज होगा 0.5 नहीं मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा ओके okay जी तो यहाँ से सबसे जरूरी चीज हो जाएगी कि भाई हमें स्टेन करना पड़ता है दिखता नहीं है ओके नंबर वेरिएबल है ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी बच्चों नाउ आई एम गोइंग टू टॉक द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्डिया में कितने मेंगनेल के तुम्हें पता होने चाहिए कितने हैं जैसे कि ये क्यों नहीं चल रहा हम्मके बच्चो माइटोकॉन्डिया में कितने मेंबरेन होते हैं ओके जी लेमन क्या कहना चाह रहा है नींबू भाई क्या बोल रहे हो आप क्या हो गया क्या हो रहा है पे चैट बॉक्स में क्या हो रहा है भाई मैम लेमन 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 व्हाट व्हाट आर यू सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं वन शॉट भी कराऊंगी बिल्कुल पूरा रिवीजन होगा एंड वन शॉट के बाद गोल्डन पॉइंट्स भी कराने वाली हूं ओके जी यार थोड़ा काम की बात कर लो ठीक है चलो कुछ भी इधर उधर की बातें बड़ी हो रही हैं आ जाओ बच्चों लेट स्टार्ट माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिख रहा है तुम्हें ओके अब जरा इसको हम लोग इसमें हम लोग लेबलिंग करना शुरू कर दें कि क्या क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मुझे दो मेम्ब्रेन दिख रहे हैं आप लोगों को दिख रहे हैं क्या आप देख पा रहे हैं दो मेम्ब्रेन हाँ जी शर्मा जी वर्मा जी देख पा रहे हैं दो मेम्ब्रेन व्हाइट कलर ले लूँ ओके चलो बच्चों सो आई कैन सी देर आर टू पहला क्वेश्चन एक ही बन सकता है पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितने मेम्ब्रेन है दो हैं वन इज आउटर बच्चों अनदर इज इनर सिंपल ठीक है एक आउटर होगा एक इनर होगा तो ये हो गया हमारा आउटर आउटर मेंबरेन दिस इज माई आउटर नॉट माई माइट्रोकॉन्डियज माई आउटर मेम्रेन विच इज विच इज बच्चो विच इज फ्रीली परमीएबल जो किसी को नहीं रोकने वाला वो याद है मेरा मॉल वाला एग्जाम्पल मॉल के अंदर कोई भी चला जाता है कोई किसी को नहीं रोकता ठीक है कोई किसी को नहीं रोकता राइट right? ओके okay, तो ये ये किसी को नहीं रोकने वाला दिस मेम्बरेन इज योर फ्रीली परमीएबल बच्चो ठीक है ये किसी को नहीं रोकने वाला राइट right? किसी को भी नहीं रोकने वाला है तो मैं यहां लिख दू पर दिस इज परमीएबल ये मेमब्रेन हो गया मेरा परमीएबल कहानी लिखने से अच्छा डायग्राम में ही सारी बातें लिख लो ठीक है कहानियां नहीं लिखनी जो जो कहानियां लिखते हैं ना नोट्स बनाने के चक्रों में वो नोट्स कभी उठा के रिवाइज नहीं करते तो जस्ट ट्रस्ट मी एंड राइट इट डाउन चलो परमीएबल है मि है ओके okay? और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझे ये दिख रहे हैं मैम हैंड रिटन नोट्स हैंड रिटन नोट अरे एक बात बताओ तुम्हें ना तुम्हारे नोट्स अच्छे रहेंगे यहाँ पे मैं क्या लिखवा रही हूँ वो उतार लिया कॉपी कर लिया पेस्ट कर लिया उससे तुम्हारे दिमाग में कुछ ज्यादा रजिस्टर होने वाला नहीं है अपने आप नोट्स बनाने पड़ेंगे एनसीईआरटी जाके पढ़नी पड़ेगी नोट्स अपने आप खुद से बनाने पड़ेंगे दिस इज जस्ट यहां से समझ के जाओ चीजों को और एक आइडिया लग जाता है तुम्हें कि यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट राइट तो नोट्स के लिए रो मत थोड़ा सा मेहनत करो खुद भी ओके okay, जी चलो आउटर मेम्ब्रेन परमीएबल हो गया इनर मेम्ब्रेन एंड इट इज स्मूथ इट इज ऑल्सो स्मूथ एकदम ऐसे दिख रहा है ना बिल्कुल ऐसे 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 कुछ नहीं दिख रहा पर जो मेरा इनर मेम्ब्रेन है बच्चों वो इस तरह से है कुछ इन फोल्डिंग्स बने हुए हैं जैसे कि हमने कहाँ देखे थे इन केस ऑफ मीजोजोम वहां देखे थे तो ये हो गया मेरा सॉरी परमिएबल एंड इट इज स्मूद ऑल्सो ये इधर उधर लहरा नहीं रहा है आराम से इसे सीधा साधा है ओके okay. अब जो मेरा दूसरा मेम्ब्रेन है ये वाला मेम्ब्रेन इज माय इनर मेम्ब्रेन दिस इज द इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ऑलराइट दिस मेम्ब्रेन बच्चों कैन नॉट बी परमीएबल इसको फ्रीली परमीएबल ये हो ही नहीं सकता मॉल में तुम चले गए लेकिन जब मूवी देखनी है बच्चों मूवी देखनी है तो तुम्हारे पास टिकट होना चाहिए तुम्हारे पास वो यू नो एक्सेस होना चाहिए यहां पे कोई भी नहीं एंटर हो जाएगा दिस इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल यहां पे कोई भी आ जाएगा क्या नहीं इसके लिए तो चेक रखना पड़ेगा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सो दिस मेंब्रेन इज बच्चो सेमी परमीएबल ओके दिस मेंब्रेन इज सेमी परमिएबल सेमी परमिएबल किसी को आने देगा किसी को नहीं आने देगा और देखो दोनों मेंब्रेन के पास ना कुछ ना कुछ एंजाइम होते हैं दोनों मेमब्रेन के पास कुछ ना कुछ एंजाइम है जो वो किसी ना किसी चीज में काम करते हैं किस चीज में काम करते हैं रेस्पिरेशन में पड़ेंगे कि आउटर में क्या होता है इनर में क्या होता है इनर का तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया कि इनर के पास होते हैं फॉर द द्रेब्स साइकिल ठीक है इट हैज द इंजाइम फॉर द द्रेब साइकिल एंजाइम भी नहीं कुछ यू you नो know, आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड डोनर्स होते हैं जिसकी बात मैं आपको आपके साथ रेस्पिरेशन में करूंगी यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं करते ठीक है यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं करते चलो भाई इनर मेमब्रेन आ गया हमें बचाने वाला भी मेम्रेन आ गया नाउ दिस इनर मेम्रेन इज फोल्डेड है ना ये स्मूथ नहीं है तो यहां लिख दो बच्चों इसने तो फोल्डिंग्स बना ली है फोल्डेड एक डायग्राम में हमारी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी फोल्डेड है अब ये जो फोल्ड्स हैं इनको भी कुछ नाम दे दे इनको कुछ स्पेशल नाम दे देते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है तो कुछ नाम दे देते हैं चलो क्या नाम, दे? क्या नाम दे क्या नाम दे कौन सा नाम तुम्हें अच्छा लगता है <laughs> क्या नाम दिया जाए इस इनर मेमब्रेन को जो है ऐसे कर्व्ड है बच्चों इसको नाम दे देते हैं आई थिंक इसको बोल देते हैं क्रिस्टे ठीक है बोल दे इसको क्रिस्टे बोल देते हैं सो दीज आर बच्चों सारे बहुत सारे हो जाएंगे क्रिस्टे एक हो जाएगा क्रिस्टा सो so ये मैंने लेबल करा यहाँ पे जो फोल्ड हैं उसको मैं बोलूंगी कोई बच्चा कल पूछ रहा था मैम सिस्टर ने और क्रिस्टे में क्या फर्क होता है सिस्टर ने मुझे मिलेगा गोल्जी एपरेटस में एंडोप्लाज्मिक रिचिकुलम में क्रिस्टे मुझे मुझे कहाँ मिलेंगे बच्चों माइटोकॉन्डियम में ओके ठीक okay. है इतनी फोल्डिंग्स क्यों बनाई क्यों बनाई भाई मीजो ने क्यों बनाई थी फोल्डिंग्स कुछ ना कुछ एंजाइम चाहिए था ना उसको उसको अपना सरफेस एरिया बढ़ाना था और उसके ऊपर क्या थे कुछ ना कुछ एंजाइम थे तो यहां पर भी कुछ होगा बच्चों ऐसा कि जो तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन है उसने फोल्डिंग्स बना लिए हैं इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू इंक्रीज इट सरफेस एरिया बट वाई हमारा सवाल है क्यों ऐसा गजब क्यों हो रहा है कि ये जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया इसने अपना इनर मेम्ब्रेन को फोल्ड कर लिया है ऐसी क्या चीज है जो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा भर भर के रख रहा है उसके ऊपर चलेंगे उसकी बात भी करेंगे बट पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि इसके अंदर और क्या चीजें हैं बच्चों इसके अंदर कैन यू सी दिस सर्क्युलर डीएनए दिख रहा है आपको ये वाला जो सर्क्यूलर डीएनए है ये दिस सर्क्यूलर सर्क्यूलर डीएनए कैन यू सी दिस बच्चों बालकों कहाँ चली गई मैं मेरा यूट्यूब ही वो गया भाई हम्म ओके ग्रेट 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 ठीक है चलो जी अब आपका आ गया हम्म तो ये आपको देख रहे हैं कैन यू सी दी सर्क्यूलर डीएनए देखो माइटोकॉन्ड्रिया और जो आपका बैक्टीरिया होता है उसके कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं बैक्टीरिया के पास भी सर्कुलर डीएनए था ये क्वेश्चन पूछा जाता है बैक्टीरिया के पास भी सर्कुलर डीएनए था माइटोकॉन्डिया के पास भी है बैक्टीरिया के पास भी ठीक है इनफोल्डिंग माइटोकॉन्डिया के पास भी है बच्चों बैक्टीरिया के पास भी राइबोसोम थे कौन से राइबोसोम से बाल कौन से राइबोजोम सेवेंटी एस ठीक है इसके पास भी सेवेंटी एस होते हैं ऑल दो दिस इज अरियोटिक ऑर्गेनल बट इसके पास सेवेंटी एस होते हैं ओके okay, दूसरी चीज दूसरी चीज बच्चों ये क्या है दिस इज द सर्क्यूलर डीएनए मैं लिख रही हूं यहां पे सर्क्यूलर जैसे कि बैक्टीरिया में होता है डीएनए काफी सारी चीजें मिल रही हैं बैक्टीरिया के साथ हमारी हम्म काफी सारी चीजें मिल रही हैं इसके पास बच्चे अपने प्रोटीन भी होंगे देखो अगर इसके पास अपना डीएनए है अगर इसके पास अपने राइबोसोम है तो नेचुरली ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है जो बच्चा समझदार है उसको पता चल जाएगा कि अगर इसके पास अपना खुद का राइबोसोम है अगर खुद का डीएनए है तो ये अपने प्रोटीन खुद बनाने वाला है मेक्स इट्स ओन प्रोटीन ठीक है सिंथिसाइज इट्स ओन प्रोटीन अपने प्रोटीन खुद बना रहा है ये काफी इंडिपेंडेंट लग रहा है ना बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट लग रहा है बट है क्या नहीं नहीं है बताती बताऊंगी इंडिपेंडेंट नहीं है इतना भी कोई महान इंडिपेंडेंट नहीं है अब अच्छो वो भी मैं बताऊंगी लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो अपना माइटोकॉन्डिया था इसने इनफोल्डिंग क्यों बनाई थी जरा ये जो इनफोल्डिंग है इसको जूम करके देखा जाए इसको थोड़ा सा जूम करें यहां से इस इनफोल्डिंग को बच्चों थोड़ा सा जूम कर दें यहां पे और जूम करके मैं एक डायग्राम बना देती हूं तुम बताना मुझे समझ में आया तो ओके बच्चों बालकों जूम कर रहे हैं इसको इट विल लुक समथिंग लाइक दिस है ना आप बच्चों ये जो इन फोल्डिंग्स होती हैं इन इन फोल्डिंग्स के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ऐसे देख रहे हो तो जितनी ज्यादा इन फोल्डिंग्स उतने ज्यादा पार्टिकल्स और इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं ये जो मैंने सजा दिया है पूरा हाँ इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं वॉट आर दीज पार्टिकल्स कॉल्ड दे आर नोन एज क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो सुन नहीं रहा क्या बोल रहे हो दे आर नोन एज स बच्चो क्या बोलते हैं अरे यार कमाल की बात कर दी इनको बोलते हैं ऑक्सीजोम्स ऑग्जीजोम्स यहाँ ए टीपी सिंथेस यही तुम्हारी एटीपी बनाते हैं बच्चों और अगर इसको भी जूम कर लें थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए इसको भी जूम कर लें ये लो एक एटीपी सिंथेस का अगर मैं डायग्राम तुम्हें बना के बता दू ठीक है तो कैसा रहेगा बढ़िया रहेगा ना यहाँ पे बना लेते हैं इसको भी जूम कर लेते हैं बच्चों हमें किस चीज की कमी है <laughs> इसको भी जूम कर लेते हैं इट लुक समथिंग लाइक दिस बच्चो ऐसे ओके okay? ओह टेढ़ा हो गया बेचारा ठीक है और ये हो गया इसका बेस द बेस इज नोन एज दिस इज द बेस बेस का हमने एक स्पेशल नाम रख दिया है है ना कोड जैसा कोड के फॉर्म में कुछ नाम रख दिया है बेस इज बच्चो नोन एज दिस इज योर बेस इज इट इज नोन एज द एफ नॉट पार्टिकल ये है हेड विच इज नोन एज द एफ वन पार्टिकल याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरफ थोड़ा सा और जूम करके बनाया जाए एक और जूम वाला डायग्राम बना देती हूं क्योंकि मुझे पता भी होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है बच्चों मान लो इफ दिस इज माई इन फोल्डिंग ये है तो मेरा जो ये मेरा जो ये दिस 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 इज पार्टिकल वो इस तरह से अटैच होता है ये आ गया बेस और बच्चों इस तरफ आ जाता है इसका हेड ऐसे अटैच होते हैं दिस क्वेश्चन हैज बीन इन योर नीट इस तरह से अटैच है ये लो तो याद रखना एवरी डायग्राम इज गोइंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ आंसर ठीक है जी ओके 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 समझ में आया समझ में आया ऑक्सीजोम्स या एटीपी टीपी कैसे काम करते हैं एग्जैक्टली exactly, क्या होता है वो तो हम बाद में वो तो हम बाद में रेस्पिरेशन में पढ़ लेंगे ओके okay? वो हम रेस्पिरेशन में पढ़ लेंगे बच्चों मैम डिसाइड कर लीजिए बच्चों बोलना है या बाल को बोलना है मेरी मर्जी मैं मेरे को जो मन करेगा मैं वो बोलूँगी <laughs> ठीक है जब मन करेगा बच्चों जब मन करेगा बाल को ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ओके okay. आ जाओ अब थोड़ी सी और बातें कर लें माइटोकांड्रिया के बारे में माइटोकांड्रिया के बारे में थोड़ी और बातें कर लें बच्चों जो so, माइटोकांड्रिया का फ्लूइड है दिस ये जो ऑरेंज वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना ऑरेंज वाला पार्ट दिख रहा है इसके अंदर जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं आपको क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ाऊंगी तो उधर भी एक मैट्रिक्स आने सॉरी उधर भी जो उसका फ्लूड होता है उसको हम कुछ और बोलते हैं सो दिस इज बच्चो नोन एज ये जो इसका फ्लूड है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स लिख दो यहाँ पेड ऑफ ऑफ़ द फ्लूड विच इज यू नो विच इज विच इज कवर्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन फ्लूड इन इज अ बेटर वर्ड बच्चों एनक्लोज्ड बाई इनर मम्बरेन करेक्ट ठीक है अच्छा और ये जो दोनों क्या हो गया ये जो मेरे दोनों मेंब्रेन है इन दोनों मेंब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बताओ बताओ इंटर मेंब्रेन स्पेस बच्चो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये बड़ा जरूरी है ये भी इन दोनों मेंब्रेन का जो स्पेस है दिस स्पेस इज नोन एज बच्चों इंटर मेंब्रेन स्पेस इसको इधर कहते हैं इंटर मेंब्रेन स्पेस ठीक है माइटोकॉन्डिया में और कोई कहानी नहीं आनी चाहिए तुम्हें इतनी कहानी काफी है माइटोकॉन्डिया के लिए स्ट्रक्चर में फंक्शन बता देती हूं अब फंक्शन क्या है वॉट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्डिया अब फंक्शन तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार वो फंक्शन भी मैं ही बताऊंगी अब हाँ हम ही बताएंगे फंक्शन इसको यहाँ पे रख देते हैं उठा के एंड इसको हम कर देते हैं बच्चों ईरेज और इसको हाँ जी फंक्शन क्या होता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ साइड में चुपके से लिख देती हूँ फंक्शन एक ही तो इसका फंक्शन होता है फंक्शन <coughs> क्या काम होता है एटीपी बनाना बचपन से तुम पढ़ रहे हो क्या काम है इसका एटीपी बनाना हा फंक्शन क्या है एटीपी बनाना सिंथेसिस ऑफ एटीपी लेकिन एटीपी बनाने के लिए इसको कुछ काम करने पड़ते हैं इसको कुछ काम करने पड़ते हैं और वो काम क्या है दिस इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्परेशन बच्चो एरोबिक रेस्पिशन साइट फॉर एक्चुअली यही एरोन ही करने वाला है एरोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि इसी के पास सारे एंजाइम्स होते हैं बेसिकली इट इज गोइंग टू कन्वर्ट पायरोविक एसिड को कन्वर्ट करेगा इन टू सीओ टू वॉटर इस सब में कन्वर्ट कर देगा और तुम्हारा फिर फाइनली जो आपके रिड्यूसिंग पावर बनती है वो यूज कर सकता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी दैट्स पार्ट ऑफ डिफरेंट चैप्टर ठीक है स्टोर नहीं करता बच्चों एनर्जी स्टोर नहीं कर रहा है समृद्धि एनर्जी बनाएगा ओके बनाएगा स्टोर okay? <coughs> नहीं कर रहा है बच्चों अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है क्या ये डिवाइड करता है क्या डिवाइड कर सकता है ये yes. माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाई फिशन बाय फिशन जैसे कि बैक्टीरिया डिवाइड करता है तुम देख रहे हो इसके पास बैक्टीरिया के जैसे कितने सारे कैरेक्टर हैं एक तो मैं ना स्टोरी बताऊंगी एक तो मैं स्टोरी भी बताने वाली हूं <coughs> एक तो मैं स्टोरी बताऊंगी रिलेटेड टू माइट्रोकॉन्ड्रिया ठीक है राइट 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 ओके 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 यार एनर्जी स्टोर नहीं 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 एनर्जी आप थोड़ा अगर आप, आप ग्लाइकोजन आपने स्टोर कर लिया ठीक है ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज बन जाएगा ग्लूकोज तब बनेगा वो जब आपको एनर्जी की जरूरत है ओके आप फूड को स्टोर करते हो और फिर उसको ब्रेक करते हो ना एनर्जी बनाने के लिए समझ रहे मेरी बात अब ना मैं यहाँ पे पावर हाउस नहीं लिखने वाली यार लिखना पड़ेगा क्या मुझे मैं बिल्कुल नहीं लिखना चाहती पावर हाउस बड़ाना मतलब बहुत ही बचपन वाला काम है पावर हाउस हा? हा? अच्छा अब की बात करें अब की बात करें यार एंजाइम्स होते हैं दोनों मेम्ब्रेन के अलग अलग एंजाइम होते हैं वो हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे इसके साथ मिक्स मत करो ठीक है इसके साथ मिक्स मत करो वो रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे दोनों मेम्ब्रेन के अलग एंजाइम होते हैं लिखना है तो लिख लेना बोथ मेम्ब्रेन दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स ठीक है जिनका अलग अलग जो भी काम है वो है अच्छा प्लास्टिड्स की बात करते हैं प्लास्टिड्स दो मेम्ब्रेन वाले ये भी दो मेम्ब्रेन वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी दो मेम्ब्रेन थे इनके पास भी सबसे पहले मैं यही लिखने वाली हूँ टू मेम्ब्रेन जरूरी है क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों ये आ गया दो मेम्ब्रेन होते हैं प्लांट में, मिलेंगे सिर्फ, plastics, में मिलते है, या फिर में मिल सकते है, में मिल जाएंगे. क्योंकि पिगमेंट दिस इज बेसिक दिस इज बेसिक अब क्वेश्चन कहां से आते हैं क्वेश्चन आते हैं बच्चों प्लास्टिड को मैं तीन में डिवाइड कर सकती हूँ आई कैन डिवाइड माई दीज द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स अगर पिगमेंट्स हैं ठीक है थीके? तो वो आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट में ये दोनों हैं बच्चों विद पिगमेंट दे हैव पिगमेंट्स कौन से पिगमेंट है वो अकेले अकेले डिस्कस करेंगे ठीक है अलग अलग डिस्कस करेंगे दीज टू हम्म ओहो, क्या हो रहा है पिगमेंट्स दोनों के पास पिगमेंट्स हैं बेचारा जो ल्यूकोप्लास्ट है इसके पास पिगमेंट नहीं होते नो पिगमेंट्स नो पिगमेंट्स ये होंगे कलरलेस अब तुम बोलोगे मैम अगर कलरलेस है तो इसका फायदा क्या है तो मैं तुम्हें बोलूंगी बच्चों अगर कोई चीज मतलब यहां पे अगर बात करें अगर इसके पास पिगमेंट्स नहीं है अगर इसके पास रंग नहीं है तो मतलब ये यूजलेस हो जाएगा क्या नहीं ये काम करेगा बच्चों स्टोरेज का दिस इज यूज फॉर स्टोरेज और स्टोरेज में भी हम तीन तरह की चीजें रखेंगे या तो हम रखेंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट या हम रखेंगे प्रोटीन या फिर हम रखेंगे फैट्स उसके बेसिस पे डिवाइड कर क्वेश्चन आता है पे क्वेश्चन आता है तुम्हारा मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आता है इस पे ओके ठीक तो है तो कलरलेस है बेचारे क्योंकि इनके पास क्योंकि तो इनके पास रंग नहीं है पिगमेंट्स नहीं है दे आर कलरलेस पिगमेंट नहीं है अब देख लेते हैं अमाइलोप्लास्ट बच्चे ये स्टोर करते हैं स्टार्च जैसे कि अपना आलू पटेटो तुम बोलोगे मैम पटेटो का तो कलर होता है ब्राउन कलर का अभी यार वो तो कवरिंग होती है जब तो उसको काट तो कैसा दिखता है कुछ यू नो ऑफ वाइट कलर का ही दिखता है दैट्स कलरलेस ओनली अगर उसके पतले पतले स्लाइस बनाओगे कलरलेस ही दिखेंगे वो है ना तो हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल अमाइलो प्लास्ट का एग्जाम्पल हो गया पटेटो वैसे तो एग्जाम्पल नहीं पूछते हैं वो डायरेक्टली पूछते हैं अमाइलो प्लास्ट मतलब क्या स्टोर कर रहा है स्टार्च स्टोर कर रहा है ठीक है इलायो प्लास्ट मतलब क्या स्टोर कर रहा है फैट स्टोर कर रहा है बच्चों ऑयल स्टोर कर रहा है अब इसमें तुम क्या बोलोगे एग्जाम्पल क्या कोई भी कौन सी कौन सी ऐसी चीज है जिससे तुम्हें ऑयल मिलता है ग्राउंड नट बोल सकती हूँ ऑलमंड बोल सकती हूँ मस्टर्ड बोल सकती हूँ लिख दू यहाँ पे मस्टर्ड ओके ग्राउंड नट लिख सकते हैं आलमंड लिख सकते हैं ये सब क्या कवरिंग तो बच्चों सबकी डार्क होती है बट कवर अगर मैं हटा दू सीड कोट हटा दू तो अंदर से तो ये क्या होते हैं लाइट कलर के होते हैं दे आर ऑलमोस्ट कलरलेस इसलिए दे विल बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ एलायोप्लास्ट एल्यूरोप्लास्ट बच्चों अगर मैं बात करूँ तो वो प्रोटीन स्टोर करेगा एल्यूरोप्लास्ट और इसमें कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे तुम्हारी दाल जितनी भी दाल तुम खाते हो प्रोटीन रिच तो होती है एंड मोस्टली दाल का जो कवरिंग है वो हटा हो जैसे हमें याद होता है ना मैम मम्मी काली दाल बना दो हरी दाल बना दो पीली बना दो लाल बना दो बट बच्चों अगर हम कवर हटाएंगे तो उसके अंदर से मोस्ट ऑफ द दाल्स दे लुक वही ऑफ वाइट इन कलर येलोइ इन कलर वो क्या है वो एक एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा प्रोटीन का एल्यूरोप्लास्ट का कलरलेस है ओके okay, बट खाना स्टोर कर रहा है इज दिस क्लियर ज दिस क्लियर ठीक है येस yes, मैम ठीक है अमाइलो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा ठीक है साहू साहू अमाइलो इज द वर्ड यूज फॉर योर कार्बोहाइड्रेट्स ओके कहा से किधर से तुम ये पढ़ के आते हो कॉन्सेप्ट हाँ हरा दाल नहीं खाया तुमने जिसका हरा छिलका होता है यार अरहर दा... दाल अरहर दाल इज द बेस्ट हाँ तुम तुम लोगों को दाल के नाम से पता है कि ये कौन सी दाल होती है या ऐसी फेंकी जा रहे हो मेरे सामने बड़ा दिखा रहे हो कि मैम हमें पता है समृद्धि माइटोकॉन्ड्रिया को स्टोर हाउस नहीं बोलते पावर हाउस बोलते हैं पावर हाउस वो होता है जो चीज बनाता है ओके जो चीज बना रहा है खिचड़ी वाली दाल ये खिचड़ी वाली दाल हाँ वो हरी होती है वो हरी होती है तो मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट मत बनो की तुम्हें सारी दाल के नाम बोल यहाँ पे अरहर मूंग ऐसे बोले जा रहे हैं जैसे इनको सब पता है जैसे इनको सब पता है ओके क्रोमो प्लास्ट की बात करते हैं क्रोमो आपके कलर्ड होते हैं क्रोमा का मतलब होता है कलर जहां पे भी क्रोमा आ गया मतलब कलरफुल चीजों की बात हो रही है और बच्चों जब आप पिगमेंट्स पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में भी तो आप तीन तरह के पिगमेंट्स पड़ते हैं ना मतलब दो तरह के पड़ते हैं एक होता है तुम्हारा क्लोरोफिल दूसरा होता है तुम्हारा क्यारेटिनोग्स। क्यारेटिनोग्स को मैं दो में डिवाइड कर सकती हूँ कैरेचिनोइड्स को जो कि हम फोटोसिंथेसिस में भी डिवाइड करते हैं वन इज योर कैरेटीन ठीक है अनदर इज योर जेंथोफिल ओके okay, तो इसके पास ये दोनों होते हैं बच्चों इसके पास कैरेटेड होते हैं एंड दे आर फैट सोल्यूबल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इंपॉर्टेंट है ये जरूरी है याद रखना दे आर फैट सोल्यूबल ओके दे आर फैट सोल्यूबल एंड क्या होता है इसके पास कैरेटीन होगा और जेंथोफिल होगा कैरेटीन मोस्टली रेड कलर प्रोवाइड करता है रेडिश कलर देगा एंड uh, जेंथोफिल्स आपका मोस्टली येलोइश ब्राउनिश कलर प्रोवाइड करता है ओके okay, लेकिन दोनों का अब अच्छा यहाँ पे सिर्फ कैरेटीन और जेंथोफिल लिखा हुआ है बहुत सारे और पिगमेंट्स होते हैं कैरेटोनॉइड्स में जो अलग अलग कलर बनाते हैं यू नो पर्पल ब्लू आपने हर एक कलर के फ्लावर देखे हैं कितने कलर के हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ कैरेटेड ओनली बच्चों इट्स बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट ओनली ओके ये देखो हो गया बस इसमें कुछ और इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है अब आ जाते हैं मेन पे तुम्हारा जो मेन है द मेन हेयर इज क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के पास कौन सा पिगमेंट होता है बच्चे बच्चे को पता है क्लोरोप्लास्ट के पास कौन सा पिगमेंट होता है क्लोरोफिल क्लोरोफिल और उसके साथ बच्चों इसके पास कैरेटोनॉइड भी होता है ठीक है क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं ना फोटोसिंथेसिस में हम दोनों की बात करते हैं क्लोरोफिल भी कैरेटोनॉइड भी विच आर एक्सेसरी पिगमेंट्स आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बट जब वो पढ़ाऊंगी ना मजा आएगा तुम्हें प्लांट फिजियोलॉजी एकदम मक्खन हो जाएगा क्लोरोफिल क्लोरोफिल के पास सॉरी क्लोरोफिल एंड कैरेटिनोइड दोनों होंगे बच्चों कैरेटिनॉइड्स के बिना इसका काम चलेगा नहीं ओके क्लोरोप्लास्ट किस लिए यूज होता है मैं नहीं लिखवाने वाली कि ये फोटोसिंथेसिस करता है बिल्कुल भी नहीं लिखवाने वाली हूँ इतनी छोटी छोटी बातें भी अगर हम तुम्हें बताने लगे फिर तो क्या ही फायदा है कोई फायदा नहीं फिर है ना अच्छा क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो अगेन अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर राइट और क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बच्चों नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है तो मैं स्पेशली लिखवा रही हूं कि कितना नंबर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल वन क्लोरोप्लास्ट किसमें है एल्गे में आता है बच्चों क्लमाइडोमोनास ठीक है एलगे होता, होता, like like होता, होता है अब काफी लोग बोलेंगे मैम नहीं वो तो क्यूट नहीं होता एलगे कहाँ से मैम क्या बात रहे हो प्लांट किंगडम बच्चों तुम्हारा प्लांट किंगडम भी ना मक्खन बना देना मैंने ये रहा दिस इज द वन कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लाइडोमोनास है ना ये होता है इसके पास दूसरा बच्चों आपके बुक में एक क्लमाइडो एल्गा ठीक है दिस इज एन एल्गा आपके बुक में एंजियोस्पर्म्स की बात कर रही है ठीक है एक अगर हम लोअर प्लांट ले रहे हैं एक हम हायर प्लांट लेंगे एंजियोस्पर्म में कितना होता है मीजोफिल सेल में कितना होता है मीजोसिल सेल में बीस से चालीस क्लोरोप्लास्ट होते हैं क्योंकि उनको भाई बहुत सारा खाना बनाना है इन क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन मीजो सेल्स हो गया ठीक है शेप कैसा होगा लेंस शेप्ड होगा ओवल हो सकता है स्फेरिकल डिस्कॉइड बड़े अलग अलग तरह के शेप्स होते हैं इतना शेप्स को करने की सॉरी हमें जरूरत नहीं है ठीक है एल्गे में शेप तुम कर सकते हो जैसे कप शेड होता है किसी में स्पाइर में स्पायरल होता है बस और कोई बहुत ज्यादा इसमें इसको क्या कहते है हैं इसको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है साइज बता देती हूँ लेंथ बता देती हूँ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों नॉट वेरी इंपॉर्टेंट लेंथ कोई ज्यादा जरूरी नहीं है लेंथ पे कोई क्वेश्चन नहीं आते इसके मेजरमेंट पे कोई क्वेश्चन आते नहीं है तो मैं बता देती हूँ क्या है फाइव इंटू टेन माइक्रोमीटर इज द लेंथ इन टू 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 फोर माइक्रोमीटर इज तुम्हारा डायमेंशन बस कोई पूछता नहीं है क्वेश्चन जो बच्चे घबरा जाते मैम ये भी याद ये नहीं याद रखना यू need नीड टू रिमेंबर डायमेंशन बस एक थोड़ा सा आइडिया रख लेना कि अच्छा पांच से दस था क्या दो से चार था क्या बस थोड़ा सा आइडिया रख लेना अच्छा अब बच्चों वो पार्ट जहां से आते हैं क्वेश्चन ठीक है अब वो वाला पार्ट ले लेते हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं राइट right. अब थोड़ी सी क्वेश्चंस की भी बात कर लें इधर-उधर हम घूम रहे हैं चलो लेट अस मेक अ डायग्राम ऑफ दिस ऑर्गेनल बना दिया जाए बना दिया जाए यस मैम यस मैम ओके प्लांट्स में बेसिकली बच्चों थोड़ा सा लेंस शेप्ड रहेगा समथिंग लाइक ऐसा कुछ होगा ठीक है बनाया अब मैंने बोला था दो मेम्ब्रेन होंगे अब ये कहां भाग रहा है दो मेम्ब्रेन होंगे तो दूसरा मेम्ब्रेन भी बना देते हैं यार लाइक दिस आई एम सेकंड दिक्ड आल्सो बाय द वे साढ़े आठ बजे पहुंच जाना क्वेश्चन होने वाले हैं मिनरल न्यूट्रिशन के एनसीआर प्रहार और प्रहार कल से एक और प्रहार शुरू होने वाला है तुम्हारे तु, तुम एक और प्रहार करने वाले हो कल से ओके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तुम्हारे अब ये तो हो गए दो गए आउटर एंड इनर अच्छा अब हम चले गए स्टोमेटा के अंदर सॉरी स्टोमेटा बोल रही हूँ अब हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखते हैं क्या है क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों सिक्के पड़े हुए हैं क्वाइंस पड़े हुए हैं ऐसे ऐसे क्वाइंस है जो स्टैक हुए हुए हैं इन क्वाइंस को क्या बोलते हैं को? दीज क्वाइंस आर नोन एज थाइड है, है ना इनको हम क्या बोलते हैं दे आर नोन एज थाइड्स राइट ये देखो सिक्के की तरह स्टैक्ड है ओके okay, लिख दूं क्या बोलते हैं इसको सबसे पहले तो यार आउटर एंड इनर को कर देते हैं हम साइड में सो दिस इज बच्चों द आउटर मेम्ब्रेन दिस इज इनर मेम्ब्रेन ओके यहां पे भी ऐसे ही रहता है जो आपका इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमीएबल होता है आउटर इज मोर परमिएबल इधर भी यही है लिख दू यहां पे इधर ही लिख देते हैं यार पूरी कहानी नहीं लिखेंगे यहीं पे नोट्स यही अपने नोट्स हैं मोर परमिएबल लेस परमिएबल बच्चों ये नहीं जाने देगा ये चेक करेगा कि किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए अच्छा और क्या है व्हाट एल्स इज देयर वट आर दीज ये जो मैंने यहां पे स्टैक कर दिए दिस वन यूनिट इज नोन एज था ओके पूरा का पूरा जो स्टैक बन रहा है बच्चों उसको हम बोलते हैं पूरा का पूरा जो स्टैक बन रहा है दिस होल स्टैक इट इज नोन एज ग्रैनम एक है तो ग्रैनम बहुत सारे हो गए तो ग्रैना बहुत सारे हो गए तो ग्रैना ओके यस अब इनको कनेक्ट भी करना पड़ेगा ये जो सारे मैंने बिल्डिंग्स बना दी हैं इतनी सारी सिक्के खड़े कर दिए हैं इनको कनेक्ट भी करना पड़ेगा बच्चों कनेक्टेड एक दूसरे के साथ इनके कनेक्शन हैं ओके लाइक दिस इन कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं दीज कनेक्शन आर नोन एज लैमिले या फिर करेक्ट वर्ड इज स्ट्रोमा लैमिले स्ट्रोमा लैमिले क्या होता है बच्चों कलेक्ट जैसे मिडल लैमिला पढ़ा था हमने ठीक है तो वही समझ लो कनेक्ट कर रहा है लामिला, हो गया नाउ द फ्लूइड ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ठीक है जिसके अंदर आपके थाइलेक्ड तैर रहे हैं ये जो स्पेस है इस स्पेस को क्या बोलते हैं बच्चों दिस स्पेस इज नोन एज दिस स्पेस इज नोन एज स्ट्रोमा माइट्रोकॉन्डिया में मैट्रिक्स बोला था क्लोरोप्लास्म इट इज नोन एज स्ट्रोमा श्रोमा ओके स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया क्या क्या चीजें हैं पता चल गई आउटर मेम्ब्रेन है जो कि ज्यादा परमिएबल है इनर मेम्ब्रेन है जो कि कम परमीएबल है वेरी गुड वेरी गुड सूरमा नहीं बोलते हैं स्ट्रोमा होता है थालोकॉइड है क्वाइंस क्वन लाइक जो है वो थाइलेक्ड है ओके श्रोमा लेमली है जो उनको कनेक्ट कर रहे हैं राइट right? ठीक है नाउ uh, mm, एक एक चीज बतानी है मुझे आपको कि स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या हो सकता है ठीक है स्ट्रोमा के अंदर कुछ तो होगा राइट right? स्ट्रोमा के अंदर भी तो कुछ होगा स्ट्रोमा के अंदर बच्चों क्या होता है वट ऑल इज देयर इन द स्ट्रोमा हाँ यस श्रोमा के पास होता है अपना खुद का मतलब क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का होगा क्लोरोप्लास्ट हैव क्या देयर ओन राइबोसोम इनके पास खुद के राइबोसोम्स हैं कौन से सेवेंटी एस ओके और क्या है बच्चों और क्या होगा अपना खुद का डीएनए होगा ठीक है अपना खुद का डीएनए होगा और क्या होंगे खुद के प्रोटीन होंगे और क्या होगा खुद के एंजाइम्स होंगे बच्चों ठीक है ये सब इसके पास अपना खुद का है और इसका भी जो डीएनए बच्चों वो भी सर्कुलर है लिख देती हूं सर्कुलर है इसका भी डीएनए राइट इसका डीएनए भी सर्कुलर है तो इसने भी काफी हद तक इसके फीचर्स भी माइटोकॉन्डिया से मिल रहे हैं फंक्शन अलग है स्ट्रक्चर काफी मतलब बट ये वाली जो चीजें वो मिल रही हैं, है ना वो मिलती हैं। ठीक है जी ओके राइट डन अच्छा नाउ गोइंग बैक अगर मैं ये जो थाइड यहाँ बनाए हुए हैं किसी एक था को उठाऊं इफ आई पिक वन थाइड इफ आई पिक वन थाइड ऐसे इसको जूम कर दें अगर हम इसको जूम कर दिया जाए बच्चों क्योंकि आपको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा जो मैं अगला तुम्हें पॉइंट बता रही हूं इसको थोड़ा जूम कर देते हैं यू थैलेकॉइड दे विल लुक लाइक दिस ऐसा कुछ दिखेंगे चलो यार एक और बना देते हैं अपना क्या जा रहा है थोड़े से अच्छे से गोलू से बना दें क्या ओके समथिंग लाइक दिस द रीजन वाई आई एम टेलिंग यू द यू नो जूम करके भी स्ट्रक्चर बता रही हूं क्योंकि बच्चों फोटो सिंथेसिस में आपको हेल्प होगा आईलाकॉइड के पास एक स्पेस होता है दिख रहा है स्पेस दिख रहा है खाली स्पेस दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिन दिस स्पेस इज नोन एज बच्चों ल्यूमन ये क्या है ल्यूमन कैविटी अगर आम भाषा में बोले तो ल्यूमन इज वॉट कैविटी कैविटी खाली जगह ओके okay. अब आपका क्लोरोफिल कहां होता है क्लोरोफिल अगर क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने कि क्लोरोफिल कहाँ होगा क्या जवाब दोगे तुम क्या जवाब दोगे तुम लोग क्लोरोफिल बच्चों यहां होता है ऐसे दिस इज योर क्लोरोफिल में होता है क्लोरोफिल तो ये मैंने जो ऑरेंज चीजें बनाई है ये सब क्या है दीज आर ऑल क्लोरो मोलिक्यूल ऐसे अटैच होते हैं ऊपर वाले पे भी बना लो यार ये ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि ऊपर वाले पे नहीं होगा यहाँ पे भी है ये लो ये क्या है वॉट आर दीज क्वेश्चन पूछा जाता है दीज आर बच्चो क्लोरोफिल ठीक है ये तुम्हारा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है यहां पर समझ में आया अगर क्वेश्चन पूछ, पूछ लिया कि भाई क्लोरोफिल कहां होता है तो बता पाओगे क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है बता पाओगे ना कि के मेम्ब्रेन में होता है क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द दाइलोकॉइड उसके में इसलिए मैंने यहां पे जूम करके बनाया डन 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 समझे समझ में आया समझ में आया एक्सेसरी पिगमेंट्स भी होंगे यार यही होंगे इधर ही होंगे वो भी इधर ही होंगे करेक्ट करेक्ट वेरी गुड वेरी गुड नाउ आई आई सॉ कमेंट जहां पे लिखा हुआ था ऑटोनोमस बच्चों ये जो ऑर्गेनेल है ना क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑटोनोमस नहीं होते किसी ने गलत लिखा था दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग तो क्या होता है ना कभी कभी चैट में कोई कुछ भी लिख देता है फिर तुम्हें लगता है कि शायद यही सही है मैंने वो देखा फिर मेरे को लगा आपके सिलेबस में ये वर्ड है भी नहीं लेकिन यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन आ जाए वो भी ठीक बात नहीं है तो किसी ने तो लिखा था ऑटोनॉमस बच्चों दीज आर नॉट ऑटोनॉमस दीज ऑर्गेनल्स दे आर नॉट ऑटोनॉमस दे आर सेमी ऑटोनॉमस इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस सो सेमी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है बच्चों इंडिपेंडेंट इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट ठीक है जितनी भी हमने कहानी पढ़ी उसको देख के ऐसा लगता है कि ये अपना इसके पास अपना डीएनए अपने एंजाइम है अपने प्रोटीन है अपने राइबोसोम है, तो ये शायद इंडिपेंडेंट होगा बट इट इज नॉट इट इज बच्चों सेमी इंडिपेंडेंट इट इज सेमी ऑटोनोमस क्यों? अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल लोगे सेल से इट डाइज क्लोरोप्लास्ट भी अगर आपने बाहर निकाल लिया सेल से तो इट डाइज दैट इज वाई बच्चो दे आर नॉट इनडिपेंडेंट दे आर नॉट ऑटोनोमस, दे आर सेमी ऑटोनोमस। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरो प्लास्ट ठीक है ऑल दो दे हैव देयर ओन डी एन ए दे हैव देयर ओन राइबोजोम प्रोटीन इंजाइम एवरी थिंग बट दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन द साइटोप्लाजम ऑफ द सेल क्यों बोला इनको डिपेंडेंट ऑन सेल फॉर सम प्रोटीन फॉर सम इंजाइन फॉर सम यू नो सॉल्ट किसी ना किसी चीज के लिए डिपेंडेंट है दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन देयर ओन समझ में आया ओके ओके ठीक है ठीक है जी ऑल राइट अच्छा प्लीज इग्नोर दिस कॉमेंट सम्बडी इज राइटिंग प्लास्टेड नहीं होगा मैम दैट्स अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्लीज इग्नोर दैट बोथ बोथ माइटोकॉन्डी एंड क्लोरोप्लास्ट दे आर सेमी ऑटोनोमस ठीक है ओके okay, जी ओके okay. हाँ वो बाहर मर जाते हैं बच्चों बाहर मर जाते हैं उसको उसको अपना जो पेरेंट सेल है उसका एनवायरमेंट चाहिए ठीक है जी दंदनादन दंदनादन समझ में आया आर वी क्लियर विद सॉरी राइबोसोम क्यों बोल रही हूँ मैं आर वी क्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर वी क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया हां जी ये सफेदी की चमकार कहां से आ गई एकदम से अच्छा एक कहानी जो मैं तुम्हें बताने वाली थी दैट इट इज़ नोन एज एंडोसिम्बाइंट थियोरी नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बता देती हूँ लिखाऊंगी नहीं आपको पता है ऐसा माना जाता है कि जब एवोल्यूशन हो रहा था ना तो शायद किसी यू सेल ने एक बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया ऐसा माना जाता है ठीक है किसी यू सेल ने एक बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया ठीक है एक हेट्रोटॉफिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया और ऐसा बोलते हैं कि वही हेट्रोटॉफिक बैक्टीरिया जो कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहना शुरू कर दिया था वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया एक और कहानी है जिसके अकॉर्डिंग ऐसा बोलते हैं एक और थियरी है कहानी तो नहीं कि एक यूकैरियोटिक बैक्टीरिया ने सॉरी एक यूकैरियोटिक सेल ने एक फोटोसिंथेटिक -तो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया और वो बैक्टीरिया फिर बन गया क्लोरोप्लास्ट थ्योरी दैट्स द एंडो सिंबाइंड थ्योरी ठीक है ठीक है जी ओके <laughs> दन, दन। अरे यार प्लांट्स के प्लास्टिक में डीएनए होता है कौन मना कर रहा है यार डीएनए तो होता ही है यहाँ क्या लिखवाया मैंने भाई हे भगवान तुम पढ़ते क्यों नहीं हो ठीक से क्या लिखा है मैंने यहाँ पे डीएनए लिखवाया नहीं लिखवाया है ये बड़े बड़े अक्षरों में डीएनए लिखा हुआ है सर्कुलर या नहीं लिखा हुआ है, है। राइबोसोम भी लिखा हुआ है प्रोटीन भी लिखा हुआ है एंजाइम भी लिखा हुआ है बट स्टिल इट कैन नॉट सर्वाइव ऑन इट्स ओन ठीक है बच्चों तो इसलिए ये होता है सेमी ऑटोनोमस इट इज नॉट ऑटोनोमस ओके समझे समझे बालकों हा फूफ ओके okay जी बढ़िया है कहानी है ये किसी को क्या पता क्या था असलियत में क्या पता ऐसा हुआ ही हो एक सेल ने किसी को खा लिया हो है ना और फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया हो हमें क्या पता ऐसा ही हुआ हो कुछ भी हो सकता है ना एनी थिंग कैन हैपन एवल्यूशन इज सच गुड थिंग सच अ ब्यूटिफुल थिंग नहीं है ना एक मिनट उ ओके एंड वन मोर बच्चों एक और चीज कुछ 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 तो सोच रही हूं मैं रुको अभी भागना मत रुको दो मिनट रुकना Kuch interesting aa hai Okay आई हैव टू क्वेश्चन फॉर यू अभी नहीं बताओ ठीक है मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता देना लिख दिया पहला क्वेश्चन उधर है दूसरा इधर है दिस इज लाइक योर होमवर्क और हम लोग करेंगे आज साढ़े आठ बजे मिनरल न्यूट्रिशन का टेस्ट होगा बच्चों एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे प्रहार चलता रहेगा ठीक है थीके? एंड येस yes, इसमें जरूर एनरोल करा लेना <coughs> ये अपना कल से शुरू हो जाएगा आई एम गोइंग टू हैव यू नो पूरा डिटेल्ड कोर्स ऑन बायोटेक्नोलॉजी दोनों चैप्टर जो है वो खत्म करेंगे एंड जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसका टेस्ट होगा जैसे ये चैप्टर खत्म होगा सेल इसका भी टेस्ट होगा बच्चों वो तो चलता ही रहेगा ये मैं सोचना कि अब हमारे टेस्ट नहीं होंगे क्या वो भी होंगे डी जिसको चाहिए वो बच्चा प्लीज <coughs> अपना क्या कहते हैं आने के एड पी पी देख ले एंड डाउट पूछ सकते हो आप एन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन है आपके पास तो आप बस उसको पिक्चर भी ले सकते हैं टाइप करके भी भेज सकते हैं आपको उसका आंसर मिल जाएगा बच्चों प्लीज 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 दिस इज फॉर फ्री एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एनरोल योर सेल्फ इन ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मेरा कोड यूज कर तो लेना आपको पता चल जाएगा वेयर डू यू स्टैंड कॉम्बेट भी होता है हर संडे को इसको भी जरूर आप प्लीज ज्वाइन कर लो जो एनरोल कर लो एंड इस चैनल को ज्वाइन कर लो तुम्हें पता है बहुत फायदा है बड़े सारे अमेजिंग सेशन आने वाले हैं और अगर चाहिए तुम्हें टी, टीचर के साथ इंटरेक्शन ओके okay? और डाउट uh, सॉल्विंग चाहिए लाइव डाउट सॉल्विंग चाहिए बच्चों तो आप प्लस पे आ जाओ अगर आपको चाहिए एक गाइड कोच जो आपको प्लानिंग करके दे जो आपको गाइडेंस दे वन ऑन वन मेंटोरशिप चाहिए तो आप आइकॉनिक ले सकते हैं कोड यू नो कोड इज गार्गी अगर आज लेंगे आप सब्सक्रिप्शन तो आपको छः महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल सकता है दस ऑफ तो मिलेगा बच्चों जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो बता दिया करो क्योंकि फिर मैं अपनी तरफ से जितनी ज्यादा कोशिश हो सकती है आपकी हेल्प करने की करने वाली हूँ ओके जी एनआई सी यू एट एट थर्टी ठीक है जो बच्चे नए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिख जाएगा डॉक्टर गार्गी सिंह आने केडमी प्रोफाइल नहीं तो बच्चों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो वहां पे भी मैं लिंक पोस्ट करने वाली हूँ कर दिया है फिर से कर दूंगी बस उस लिंक पे क्लिक करना है साढ़े बजे पहुंच जाना ओके बच्चो ठीक है जी अच्छा ठीक है और जरा ये जो मैंने दो क्वेश्चन पूछे हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सोच लेना क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू दिस इज योर होमवर्क ठीक है नंबर ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग इंट्रा साइटोप्लाज्म एक्सट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज बिकॉज ऑफ विच ये दोनों क्वेश्चन मेरे को आंसर भेज देना इन द कॉमेंट सेक्शन